क्रिकेट के मैदान पर तो अपने शानदार प्रदर्शन से भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी कई बार लोगों का दिल जीत चुके हैं, लेकिन इन दिनों माही क्रिकेट से ब्रेक लेकर देश की सेवा में लगे हैं और सेना में अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, जहां उन्होंने कुछ ऐसा किया है जिससे उनके फैंस एक बार फिर उनके कायल हो गए हैं। तो इस बार कैसे जीता माही ने देशवासियों का दिल, इस रिपोर्ट में देखिए। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और लेफ्टिनेंट कर्नल महेंद्र सिंह धोनी इन दिनों अपनी सेना की ड्यूटी पूरी लगन से निभा रहे हैं। वह फिलहाल दक्षिण कश्मीर में ट्रेनिंग कर रहे हैं। धोनी पैराशूट रेजिमेंट की 106 पैरा टेरिटोरियल आर्मी बटालियन का हिस्सा है, जो कि विक्टर फोर्स का हिस्सा है, जहां से उनकी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जो धोनी के फैंस का दिल जीत रही है। जी हां, धोनी इस तस्वीर में सेना की वर्दी में है और वो बूट्स पॉलिश करते हुए नजर आ रहे हैं। ये बूट्स किसी और के नहीं बल्कि धोनी के ही हैं। फैंस इसे धोनी की सादगी और सरलता से जोड़कर देख रहे हैं। ट्विटर पर इस तस्वीर को शेयर करते हुए एक यूजर ने लिखा है, कोई विशेषाधिकार नहीं, कोई विशेष सुरक्षा नहीं, क्योंकि वो हमारे बहादुर सैनिक की तरह ही राष्ट्रीय कर्तव्य पर है। यहाँ खास बात ये भी है कि कश्मीर में धोनी की मौजूदगी को लोग बेस्ट फिनिशर वाले टैग और आर्टिकल 370 से जोड़कर भी ट्वीट कर रहे हैं। हाल ही में ट्रेनिंग के दौरान धोनी का एक वीडियो भी वायरल हुआ था। इस वीडियो में माही सेना में अपने साथियों के साथ वॉलीबॉल खेलते नजर आ रहे थे और धोनी के स्कूल अंदाज को सोशल मीडिया पर भी लोगों ने काफी पसंद किया। आपको बता दें कि धोनी ने वेस्टइंडीज दौरे से खुद को अलग कर सैन्य ट्रेनिंग करने का फैसला लिया था। धोनी दक्षिण कश्मीर में 15 दिन ड्यूटी करेंगे और 15 अगस्त भी अपने सैनिक साथियों के साथ वही मनाएंगे। पैरा कमांडो की जिस बटालियन में धोनी की तैनाती हुई है, वो मिले जुले सैनिकों की यूनिट है। वहाँ देश के हर इलाके से आए करीब 700 सैनिक है। यहाँ धोनी को दिन रात दोनों शिफ्ट में ड्यूटी करनी होगी, लेकिन इस ट्रेनिंग के दौरान उनकी तस्वीरें और वीडियो जो सामने आ रही है, उससे ये जाहिर हो रहा है कि धोनी क्रिकेट का मैदान हो या फिर सैनिकों के साथ ट्रेनिंग का, वो अपने फैंस को अपने काम से चौंकाते रहेंगे और उनका दिल जीतते रहेंगे। डीबी लाइव की रिपोर्ट।